अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मेरे चैनल क्रोचन ग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप भी सब घर में सुरक्षित और सही होंगे। आज जो मैं आपके लिए डिज़ाइन लेकर आई हूँ, वो छोटा सा सैंपल लेकर आई हूँ, छोटे छोटे वेव डिज़ाइन जिसमें बॉक्स बॉक्स बनते हैं डिज़ाइन के अंदर, तो वो पूरा सैंपल एक सा बनता है। उससे हम जैकेट भी बना सकते हैं, ब्लैंकेट भी बना सकते हैं, उससे बच्चों की कैप बना सकते हैं, सॉक्स बना सकते हैं और जैकेट बना सकते हैं, उससे बहुत आइटम बन जाते हैं, ग्लव्स भी बना सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको अपने आने वाली वीडियो में एक एक करके सारे आपको डिज़ाइन बताऊंगी, और मैं पहले भी बता चुकी हूं लेकिन मैं आने वाली वीडियो में और बताऊंगी, क्योंकि अब जो आजकल नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं, कोई 3D डिज़ाइन आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको एक एक करके बताती जाऊँगी। तो आज मैं वेव डिज़ाइन लेकर आई हूँ जिसको हम बनाना शुरू करते हैं। आइए देखें कैसे बनता है वो डिज़ाइन। आज हम न्यू डिज़ाइन बनाएंगे ब्लैंकेट का, तो उसके लिए हमें ऊन ले लेनी है। आप कोई भी कलर में ब्लैंकेट, बेबी ब्लैंकेट बनाते हैं तो कोई भी कलर में ले लेंगे, इससे स्कार्फ भी अच्छा बनता है इस डिज़ाइन से। तो उसके लिए शुरू में मुझे चैन लेनी है, एक दो तीन, जी यहाँ पे मैंने 22 चैन लिए। उसके बाद मुझे एवरी चैन डबल क्रोशिया लेना है, यहाँ से मैं 3 छोड़ूंगी और मुझे यहाँ पे डबल क्रोशिया लेना है पूरे पे। ये देखिए, ये देखिए मेरा हो गया। अब मैं दूसरी लाइन यहाँ पर 3 चैन लूंगी, अब ये देखिए एक मेरा ये है, एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी, यहाँ मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2। अब जो ये वाला डबल क्रोशिया है इसको मैं ये उठा के लूँगी इस तरह से, फिर 2 नॉर्मल डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 1 डबल क्रोशिया उठा के, ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन आएगा। ये देखिए ये मेरा इस तरह से आएगा। अब मुझे अगली लाइन कैसे करनी है, यहाँ पे मैं 3 चैन लूँगी, इसको पलटूँगी और हर एक पैसे, ये देखिए इस पैसे तो मुझे ऐसे ही लेना, ये देखिए यहाँ पे मैं इसी तरह से लूँगी इसको, अगला वाला भी इसी तरह से लूँगी, ये देखिए ये इसी तरह से मुझे पूरी लाइन ये इस तरह से लेनी है। देखिए यहाँ पे आगे ये डिज़ाइन आ जाएगा, ये देखिए ये इस तरह से मेरा आ गया डिज़ाइन। अब मुझे यहाँ पे दूसरी लाइन भी ऐसी करनी है, यहाँ पे मैंने शुरू में 3 चैन ले लिए, तो यहाँ पे मैंने 1 डबल क्रोशिया लिया, यहाँ पे भी मैं डबल क्रोशिया लूँगी, देखिए इस तरह से, फिर इसके ऊपर से ये मेरे को पीछे से लेना है, ये देखिए डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, ये देखिए फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया 2,
ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे दो डबल क्रोशिया हैं, फिर एक हमें उठा के लेना है फंदा, फिर दो डबल क्रोशिया हैं, फिर एक उठा के लेना है। ये दो दो का गैप है, दो एक के इसी के हिसाब से ही हमारी लाइन ऐसे ही चलती जाएगी। ये देखिए, ये मेरा हो गई लाइन। अब मुझे उल्टी लाइन भी ऐसे करनी है, एक दो तीन, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमें इसी तरह से ये हमें डिज़ाइन अपना बनाना है। यहाँ पे मैंने दो डबल क्रोशिया लिए थे, तो एक मेरा ये हो गया शुरू में, और ये मुझे यहाँ से लेना है। ये देखिए, क्योंकि शुरू का मैं नहीं ले सकती हूँ आगे से, फिर ये इसके ऊपर से एक मुझे निकालना है। ये इसी तरह से मेरी लाइन है चलती जाएंगी। यहाँ पे यहाँ तक आपको लाके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा डिज़ाइन आ गया है। ये इसी तरह से हमारा आगे बनता जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, हमें दो लेने हैं, दो डबल क्रोशिया लेने हैं, फिर उसके बाद एक फंदा उठा के लेना है, फिर दो डबल क्रोशिया लेना है। इसी तरह से हमें बनाना है, और उल्टी लाइन में दो हमें जो हमने उठाया फंदा उस पर से नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाना है, और जो हमने दो डबल क्रोशिया लिए थे उस पर से हमने पीछे से उठा के लेना है। ये आप ध्यान रखेंगे बस। अब आप बताइए आपको डिज़ाइन ये कैसा लगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा है। और जो भी मेरे नए दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए, ताकि मेरी आने वाली आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।